नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं आपके लिए वो निमरा अहमद ऑफिशियल चैनल का है और इसका टाइटल है यूएसए डेस्परेटली वांट्स यूपीआई फ्रॉम इंडिया, पाक पब्लिक रिएक्शन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि यूपीआई जो है वो इंडिया का पेमेंट सिस्टम है और इसकी डिमांड अब यूएसए में हो रही है। तो चलिए भाई, इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कहती है, आइए देखते हैं। यूपीआई सिस्टम इंडिया में लॉन्च हुआ और बहुत एडवांटेजेस हुए इंडिया को। जब ये सिस्टम के एडवांटेजेस दुनिया ने देखे तो दुनिया के तकरीबन 30 मुल्कों ने इंडिया को अप्रोच किया है और कुछ कंट्रीज़ में ये सिस्टम लॉन्च भी हो रहा है। अब अमेरिका भी इंडिया से अपील कर रहा है कि ये सिस्टम हमें अपनी कंट्री में चाहिए। इसके बारे में क्या कहने वाले हैं आप? अच्छा, ये मुझे तो ये श्योर नहीं कि अमेरिका ने ऐसे कोई फॉर्मल उन्हें रिक्वेस्ट को भेजी हो कि प्रॉपर चैनल से कि हमें ये आप सिस्टम दें। वैसे ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो अच्छी बात है, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि इंडिया अमेरिका से आगे निकल गया, कि अमेरिका आके उनसे रिक्वेस्ट करे कि आप हमें अपनी आईटी दे, जो भी सिस्टम आप लॉन्च कर रहे हैं वो हमें दें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जब उनकी आईआईटी टेक्नोलॉजी जो आईटी है उनकी, जब वो दुबई में जा सकती है, जब उनकी बड़ी बड़ी ब्रांड जो है वो बाहर के ममालिक में चल सकती हैं, तो फिर उनका ये वाला जो सिस्टम है वो क्यों नहीं बाहर के ममालिक में लॉन्च हो सकता है? जब वो ये अहद कर सकते हैं कि उन्होंने आने वाले अरसे में डॉलर की जगह रुपी को इंट्रोड्यूस करवाना है, तो फिर अमेरिका क्यों नहीं रिक्वेस्ट कर सकता? अगर आपने न्यूज़ देखी हो, अगर आप आर्टिकल्स पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये बोला कि वो दुबई में कर सकते हैं, दुबई में आपने कितने कुछ साइंसदान देखे हैं, उनके पास तो ये आयल है, या फिर उन्होंने अभी टूरिस्ट के अट्रैक्शन से उधर से सारा पैसा वगैरह कमा रहे हैं, उधर कौन सा इतना पढ़े लिखे बंदे बैठे हैं। लेकिन अमेरिका में क्या अनपढ़ बंदे हैं दुबई? नहीं, दुबई जो दुबई के सारे के सारे इंडियंस बैठे हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, दुबई के जो लोकल हैं वो ऐसा तो बस उनके पास तो ये तेल का पैसा है या फिर अपने जो रियल स्टेट का अभी उन्होंने बनाया हुआ है। फिर भी दुबई हमसे आगे है। आगे है ना, जाहिर सी बात है आगे। अभी इधर आकर कोई खरीद सकता है? इधर कौन सा पाम जो मेरा बनाया हुआ है जिधर से आकर इंडिया और अमेरिका की बात करें। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका के ये सुन के मेरे लिए शॉकिंग है कि अमेरिका उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन सिस्टम तो वो ठीक है, वो सिक्योर है, उससे ट्रांजेक्शन सिक्योर है। किसी के आपका इधर कैश कैरी करने में बड़ी दिक्कत होती है, उस तरह उससे करप्शन पे काफ़ी ओवरकम किया जा सकता है। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान का चावल ये उन्हीं की फॉरेन पॉलिसी से जो अभी उन्होंने किया था, ये मुझे अभी एग्जैक्ट फिगर डेट नहीं याद, पाकिस्तान का चावल जो सुपर चावल है ये उन्हीं की पॉलिसीज की वजह से हमारा एक्सपोर्ट बंद हो गई थी। इनकी पॉलिसी इंडियन ने अपनी लॉबी से जो भी किया था हमारा सेकेंड, वहाँ उनको जो अपने कंट्री के लिए फायदा मिलेगा वो तो वो पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे। पाकिस्तान को भी जहाँ से फायदा मिलेगा हम लोग भी वो पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे। इसमें तो ब्लेम गेम तो कोई है ही नहीं। ऑब्वियसली हर कंट्री आगे निकलने की दौड़ में है, क्योंकि ये वॉर जो है वो इकोनॉमी की ही वॉर है। वो अच्छा, बीच में रोक रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान के चावल का एक्सपोर्ट इंडिया की पॉलिसी की वजह से बंद हो गया। मतलब ये बात मुझे समझ में नहीं आई। और भाई साहब को पता नहीं कितना ये पढ़े लिखे हैं और कितना ये चीज़ों को जानते हैं, इनका जनरल नॉलेज कितना है या कितनी डीप स्टडी करते हैं। जहाँ तक मुझे याद है कि इंडिया जो है वो टॉप 3 राइस प्रोड्यूसर्स में से आता है, टॉप राइस एक्सपोर्टर्स में से आता है। पाकिस्तान शायद उससे बहुत नीचे है, बहुत नीचे नहीं लेकिन नीचे है पाकिस्तान उससे। और रही बात आपके राइस एक्सपोर्ट की और उसमें कमी की, तो मुझे लगता है कि मेरे कहने के बजाय आप जरा अपने यहाँ के जो राइस एक्सपोर्टर्स हैं, जो राइस के कारोबारी हैं, वो क्या कहते हैं अपने ही देश के एक्सपोर्ट और अपने ही देश के लोगों के बारे में, वो जरा सुन लीजिए। पाकिस्तानी चावल जो है ये लोग मिक्सिंग बहुत करते हैं, इसकी वजह से इनके चावल जो है कई दफा वापस आए हैं, इसलिए वहाँ पे जो इंडियन चावल है वो ज्यादा सेल होता है। पाकिस्तानी चावल जो है ये मिक्सिंग बहुत ज्यादा कर देते हैं। इसका मतलब है कि जो बैठा हुआ है इम्पोर्टर उसको इंडिया पे ट्रस्ट बहुत अच्छा है। इंडिया पे ट्रस्ट बहुत है, पाकिस्तान पे बहुत कम ट्रस्ट करते हैं। जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो मिसकमिटमेंट कर रहे हैं, जो क्वालिटी सैंपल अप्रूव करवा रहे हैं उसको एज इट इज कंसाइन नहीं करवा रहे, इस वजह से लैक ऑफ ट्रस्ट जो है, लैक ऑफ क्वालिटी कुछ एक्सपोर्टर्स के एंड पे जो है वो एक मेजर इशू बन रहा है। तो बेईमानी करो आप, चावल में मिलावट करो आप, नकली चीज, नकली इन द सेंस की मतलब जो चीज आप दिखाते हो वो चीज भेजते नहीं, वो एक्सपोर्ट नहीं करते, उसमें मिलावट करके भेजते हो, वो भेजो आप, और आपका एक्सपोर्ट कम हो गया, आपके एक्सपोर्ट पर रोक लगी, तो जी उसका जिम्मेदार इंडिया। वाह जी वाह, तालियां भाई, इनके लिए ताली बजाई जाए और इनकी जर्रा नवाजी की जाए भाई। वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक्चुअली बात यह है कि पाकिस्तान का चावल एक तो क्वालिटी में और टेस्ट में इतना अच्छा है, और दूसरा बाकी जब एक्सपोर्ट करते हैं तो इतना महंगा पड़ जाता है, वो दूसरे जो डेवलपिंग कंट्री वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते।
पाकिस्तान इतना एक्सपेंसिव है यानी कि हमें दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती। नहीं, ये आपने कुछ देर पहले इंटरनेशनल कोर्ट में कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये केस लगा हुआ था सुपर चावल का। ठीक है, अच्छा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई लोगों, जानकारी फैक्टफुल रखिए, मतलब जो जानकारी आपके पास हो उसको एक दो जगह से और सोर्स से चेक कर लीजिए कि बॉस क्या ये जानकारी सही है। आपके आपके यहाँ का चावल सबसे बढ़िया है टेस्ट में और बहुत महंगा है, होगा भाई, लेकिन ये बताइए कि वो जो चावल आप उगाते हो उसके बीज कहां से आते हैं, कभी पता किया आपने? वो बीज इंडियन बीज है, इंडियन बीज से उपजा है वो। आपके यहां जो भी चावल होते हैं वो इंडियन बीज से उपजते हैं, जो अच्छे वाले चावल हैं। तो जिसके यहां से बीज लेकर आप चावल उगा रहे हो, आप उसको करें कि उसके यहां चावल तो अच्छे होते ही नहीं है, हमारा ही चावल सबसे बढ़िया है, सबसे ज्यादा टेस्ट है। कमाल है यार। अच्छा, यकीन नहीं हो रहा ना? अच्छा सुन लीजिए फिर। असल में पाकिस्तान में तकरीबन जो मेजर क्वालिटी ज्यादा चल रही है वो कायनात 1121 है, जिसका बीज हमारा इंडियन है। हाँ जी, कायनात 1121 का बीज इंडियन है, 1509 का बीज भी इंडियन है। पाकिस्तान का जो अपना चावल है वो सुपर कर्नल है, उसमें जायका भी है, उसमें खुशबू भी है, लेकिन उसमें इतनी खास लेंथ नहीं है। बाकी रह गई इंडिया, क्योंकि इंडिया ने ये बीच जो है ये इन्वेंट किया है, वो इसको आगे लेके चल रहा है। अभी इस वक्त जो पाकिस्तान में कायनात चावल जो है बीजा जा रहा है, उसके बीज भी इंडियन है। जी, बीज इंडियन बीज है उसके। अब तो यकीन हुआ, मैंने नहीं बोला भाई, किसी इंडियन ने नहीं बोला, ये आपके पाकिस्तानी बोल रहे हैं जो चावल के कारोबारी हैं। इसके बाद भी अगर आप ऐसा कहते हैं तो भाई झूठ के क्या कहते हैं, झूठ के पांव तो नहीं होते शायद, वो कहीं जा नहीं सकता, वो तो उसका एक्सपोज होना ही है, हो गया। आप मुझे एक बात बताएगा कि एग्रीकल्चर में भी हमारा मुल्क जो है वो डाउन जा रहा है, ये मानने वाली बात है। एग्रीकल्चर में भी हम बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो है वो बहुत सी चीज़ें जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं। अब बात यहाँ ये है कि देखें, हमारे साथ सेपरेट होने वाला कंट्री आज हमसे इतना आगे निकल गया है कि पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन गया है, और मॉर्गन स्टेनली जो कि मैं एक बार फिर बोल दूं, आपके साथ हम सेपरेट नहीं हुए, सेपरेट आप हुए, बंटवारा आपने किया, अलग देश की मांग आप लोगों ने की, इंडिया से आप अलग हुए, इंडिया आपसे अलग नहीं हुआ, हम आपसे सेपरेट नहीं हुए बॉस, आप हमसे सेपरेट हुए हो, और हम सेपरेट नहीं हुए कहीं से, हम आजाद हुए अंग्रेजों से, आप पैदा हुए, आप अलग मुल्क बने, नए मुल्क बने 14 अगस्त 1947 को। मैं अमेरिकन ही कंपनी है, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया आने वाले अरसे में तीसरी इकोनॉमी भी बनने वाला है, तो जब अमेरिका खुद ये बात मान रहा है, हम लोग यहाँ खड़े होकर क्यों डिनाई करें इस बात? नहीं, ये थोड़ी हम कह रहे हैं कि वो नहीं मान रहे, वो बन तो रहे हैं, क्योंकि वो मार्केट बड़ी है। अभी आप देखें इधर मार्केट बड़ी होगी, एक मिनट, मार्केट बड़ी होगी तो क्या वो आगे सुपर पावर बन जाएंगे? मार्केट बड़ी होने के साथ साथ अगर वहाँ पर कख कोई चीज नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो आपने शायद देखा हो जब ट्रंप की विजिट थी उधर गुजरात में, उसने वो एक स्टेडियम का इफ्तिताह करना था, उन्होंने कितने किलोमीटर लंबी एक वॉल बना दी थी ताकि उनकी कच्ची आबादियाँ, उनके गरीब बंदे हैं, वो देख ना सके, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट मतलब वो जो फॉरन आएगा पूरा काफिला, वो ये ना देखे कि इंडियन गरीब हैं। उनकी मीडिया ने अपनी गुर्बत नहीं दिखानी, अपने उधर के ये बंदे नहीं दिखाने के। IMF को जानते हैं आप? IMF को जानते हैं? जानते हैं जी। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की पॉवर्टी ना होने के बराबर रह गई है, क्योंकि IMF एक बहुत बड़ा इदारा है, हम झुठला नहीं सकते उसकी रिपोर्ट को, और पाकिस्तान की जो गुर्बत है वो इंडिया से डबल है गुर्बत, और आने वाले अरसे में और डबल कंसिडर की जा रही है। और अब सवाल मेरा यहाँ है कि अगर वहाँ पर इतनी करप्शन होती है, इतनी गुर्बत होती, तो वो पांचवें नंबर पर इकोनॉमी कैसे आ जाती, उनकी हर सेक्टर में प्रॉपर बजट कैसे बन जाता है? मैं आपको चलिए देखकर अच्छा लगा कि आज से जब मैंने ये रिएक्शन चैनल शुरू किया था तो मेरी कोशिश यही थी कि भाई फैक्ट पहुंचे पाकिस्तान के पास, या जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भी हैं वो जो सवाल पूछ रहे हैं, जो जवाब मिल रहे हैं, उनके बदले फैक्ट्स बताएं। तो ये जो गरीबी वाला है वो मैं बहुत लंबे अरसे से लेकर चला आ रहा हूं, तो अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे पाकिस्तान के यूट्यूबर्स भी ये समझ गए हैं कि बॉस फैक्ट तो यही है, सच तो यही है, तो धीरे धीरे उन्होंने भी इस चीज को बताना शुरू कर दिया है। और देखिए बता रहे हैं, जो ये लगातार मैं बातें कहता हूं, IMF की बातें कहता हूं, जो पॉवर्टी की बातें करता हूं, तो सारी बातें अब निमरा कह रही हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो कम से कम फैक्ट पे अब बातें हो रही हैं, सामने वाले को बताओ तो सही कि बॉस आप गलत बोल रहे हो, ये फैक्ट है, तभी मुझे लगता है कि प्रॉपर पब्लिक रिएक्शन हो पाएगा, क्योंकि ऐसे एक तरफा बात करने से और एक तरफा बात सुनने से ये होता नहीं है। अगर जहां पर इंडिया की कमी है, आप भाई वहां पर इंडिया की कमी बताइए, लेकिन फैक्चुअली बताइए, ऐसा नहीं हो कि आप हवा में आपने बातें कर दी है, बहुत गरीबी है, बहुत गरीबी है, फैक्ट लाइए, आंकड़े लाइए, दिखाइए,
जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनके आंकड़े कुछ और कहते हैं, आप कुछ और कहते हो, तो हम भाई इंटरनेशनल एजेंसीज को माने या आपको मान लें या दुनिया आपको मान ले और इंटरनेशनल एजेंसीज को छोड़ दे? तो मैं हमेशा कहता हूं जहां पे दिक्कत है इंडिया में, बिल्कुल दिक्कत है, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल परफेक्ट कंट्री है, हर चीज सॉल्व हो गई है, दिक्कतें हमें उन्हें मानने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप झूठा प्रोपेगेंडा करेंगे कि गरीबी है, बहुत गरीबी है, बहुत गरीबी है, बॉस गरीबी तो अमेरिका में भी है, सुपर पावर है वो, गरीबी तो चाइना में भी है, सुपर पावर बनने की राह में है वो, तो गरीबी रहेगी, ये आप हम कोशिश कर सकते हैं उसको कम करने की, उसको मिटाने की। और जो कोशिश हमने पिछले 15 साल में की है उसका नतीजा दिखा है, आईएमएफ की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, 415 मिलियन लोगों को हमने गरीबी से हटा दिया है, हमने उनके उनकी कमाई बढ़ा दी है, वो अब गरीब नहीं रहे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक। तो जब भी बात करें फैक्ट में बात करें, तो चलिए अच्छा लगा कि हमसे मेरे बताए फैक्ट जो है वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं वहां पे। बताता हूँ कि पाकिस्तान में आपको कहाँ पे गुर्बत नजर आती है, इधर ये है कि बंदे जो अपनी इनकम को छुपाते हैं, ठीक है, इधर टैक्स सिस्टम ऐसा नहीं है कि कोई बंदा, ये ऑफ द काउंटर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती हैं, ठीक है, ये बेसिक वजह। आप इधर देख लें कौन आपको इधर गरीब नज़र आ रहा है, उधर बंदे भूखे मार रहे हैं कहीं, आपने ये बस आप बस उन्हें फेवर दिए जा रही हैं कि फेवर नहीं दिए जा रही, मैं तो आपको रिपोर्ट के मुताबिक बता रही हूँ, मैं तो आपको एक जो बात है फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो बता रही हूँ। वो जिस अभी अच्छा भाई को नहीं मानना है मत मानो, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, शायद अभी किसी की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, 60% से ज्यादा फूड क्राइसिस है, लोग 60% से ज्यादा आपके यहाँ लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा उन्हें। ये मेरी रिपोर्ट नहीं भाई, वो भी किसी इंटरनेशनल एजेंसी की या पाकिस्तान की किसी की रिपोर्ट है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, लेकिन स्क्रीनशॉट मिलेगा तो मैं लगा दूंगा कि शायद फूड क्राइसिस जो है वो 60% हो चुका है आपके यहाँ और आपको गरीबी नहीं दिखती, हे भगवान। खैर को अपना हम यहाँ पर खड़े होकर हम यहाँ पर खड़े होकर ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान सबसे आगे है या पाकिस्तान इस सेक्टर में आ गया उस सेक्टर में आ गया, लेकिन हम हकीकत को झुठला नहीं सकते हैं, दिल खुश करने के लिए ख्याल अच्छे हैं। मेरी सुन तो लें ना, आपने ये देखा होगा जैसे वो अगर कश्मीर में कहीं भी किसी फॉरन या किसी टीम को टूर करवाते हैं ना, तो वो खुद उन्होंने प्लान किया होता है और खुद उनके वो पर्सनल उसके साथ जाते हैं, उन्होंने बस वही चीज़ दिखानी है जो बात कैसे वो दिखाना चाहते, आप खुद देख लें जब उनका यूएन मिशन गया है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जब उनका मिशन गया है यूएन का, तो वो पहले तो उन्होंने एक किस्म का पूरा मार्शल लॉ नाफिज किया और जो उनके चाहने वाले बंदे थे, चंद एक जो उनके पिटू थे वो बीजेपी के, तो बस उन्हीं को उन्होंने दिखाया रेदर देन के पूरी जनरल पब्लिक से डील करें। अगर वो लोग अपनी गुर्बत को, एक मिनट मैं आपसे एक बात यहाँ पूछना चाहूंगी, आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि अगर वो अपनी गुर्बत को छुपाते तो फिर हमें ये कैसे पता होता कि उनके मुल्क में इतनी गरीबी है, मुझे बताया, अगर उन्होंने इतना ही छुपाना होता तो ये आप यहाँ पर खड़े होकर ये बात आपको फिर कैसे पता कि वहाँ पर इतने गुर्बत है, बताएं मुझे। और अगर आपको ये पता है कि उन्होंने ये चीज छुपाई है तो पाकिस्तान को पता है, क्या आपको लगता है कि पूरे वर्ल्ड में नहीं ये बात पता होगी कि हमारे पास गैप का इलम है? मेरी सुन लेना, असल में मसला ये है कि उधर गैप बहुत ज्यादा है, जो अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर है और जो गरीब है वो इंतहाई गरीब है। क्यों? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आईटी के रिलेटेड ये चीज़ें हैं और पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो आईटी के रिलेटेड वो इंडिया से तो काफ़ी ज़्यादा ही पीछे है, और अगर उसकी हम लोग वजह देखें तो वो ये है कि हमारे पास इतनी अवेयरनेस नहीं है आईटी के रिलेटेड, उनमें उनकी गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा उनका साथ दे रही है अपने लोगों का कि वो आईटी को जो है ना वो प्रमोट कर रहे हैं, आईटी में वो अपने बच्चों को आगे लेकर आ रहे हैं। इसी के बरक्स अगर हम लोग पाकिस्तान में देखें तो हम इस लिहाज से बहुत ज़्यादा पीछे हैं उनसे ना, तो मैं ये समझता हूँ कि मतलब हमें आईटी की ग्रोथ के लिए मतलब हमारी गवर्नमेंट को जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा कोई पॉजिटिव कुछ करना चाहिए कि मतलब हम लोग जो है ना ग्रो अप हों। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर जो है ना बस लोकली ही रह गया सारा कुछ आईटी के लिहाज से ना, हमारे अपर लेवल के मैनेजमेंट में आईटी में लाइक आप गूगल में देख लें उनके सीईओ इंडिया से हैं, और ट्विटर में तकरीबन वो रिसेंटली जो उन्होंने एलन मस्क ने जो है ना वो 70% जो है ना उनका वो उनको निकाला है, वो भी सारे 90% आई थिंक। बट अब जो नया सीईओ हायर किया है वो भी इंडियन ओरिजिन का है। एग्जैक्टली, तो सारा मुद्दा आ रहा है इसके ऊपर कि हमारा जो है मतलब हम लोग आईटी की फील्ड में बहुत ज़्यादा पीछे हैं उनसे। द रीज़न इज़ दैट कि हमें हमारे अवेयरनेस ही नहीं है, यहाँ पर हमारे पॉलिटिक्स जो है वो अपनी बस उनको पड़ी हुई है, उनको पाकिस्तान की इंडस्ट्री के बारे में कोई किसी को भी इल्म नहीं है, कोई भी उनको उनका फिक्र नहीं है इसके रिलेटेड। तो मेन मुद्दा यही है कि मतलब
हुकूमत को चाहिए कि वो हमें थोड़ा सा सपोर्टिव वे में ले। ओके, मैं समझ गई। सवाल अब मेरा आपसे ये है कि अमेरिका एक सुपर पावर है, वो अप्रोच करिए इंडिया को इस सिस्टम के लिए। अगर ये सिस्टम अमेरिका में लॉन्च हो जाता है, हमें देखने को मिला है कि अमेरिका का डॉलर भी काफ़ी नीचे जा रहा है, इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ रहा है और क्राइसिस भी जा रहे हैं वहाँ पर, तो कितना हेल्पफुल होने वाला है ये सिस्टम अमेरिका में, क्योंकि कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस डाउन जा रहा है इस वक्त अमेरिका में। Obviously हेल्पफुल तो होगा ये सिस्टम उनके लिए, बिकॉज वो उनका ट्रस्ट रेट जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया की इंडस्ट्री पे है, तो में है ही नहीं, आप ये बोले कह सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत जो है ना लोकली सिस्टम पे ये चल रहा है। ऊपर वाले सिस्टम पर होगा तो ही जो है ना किसी के साथ हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है। जब है ही सारा कुछ हमारा लोकली जगह पे रह गया हुआ है, हमें कोई हमें कोई स्पॉन्सर ही नहीं मिल रहा कोई अच्छे वाला कि हम लोग अपनी आईटी को अपनी ऊपर लेकर जाएँ, तो तब तक तो हम लोग नीचे ही रहेंगे ना। तो इंडिया में ये है कि उनको बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं, उनकी जो है ना वो काबिलियत की वजह से मिल रही है, काबिलियत की ऑब्वियसली काबिलियत की वजह से मिल रही है, और उनकी सबसे ज़्यादा मेजर फैक्ट्री इज दिस के हुकूमत बहुत ज़्यादा सपोर्ट। देखिए अमेरिका बेसिकली देखा जाए पूरी दुनिया में तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और बात रही है उनकी अपील की इंडिया से, अगर वो इंडिया से लेना चाहे ना तो ले सकते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है इंडिया से कुछ लेना, ठीक है। इंडिया को भी पता कि अगर हम देंगे ना तो बेनिफिट उनको ही है, बजाय इसके कि अब देखें आप पाकिस्तान में अभी आपके पास क्या है। अच्छा, वो आपकी बात ठीक है कि इंडिया को पता है कि बेनिफिट है उनका, लेकिन जहाँ बात आपने ये की ना कि अमेरिका लेना चाह रहा है तो वो लेकर रहेगा, तो ऐसी बात नहीं है, बिकॉज डोमिनेंट अमेरिका जो है वो इंडिया पर नहीं है। इंडिया ने अभी रिसेंटली कई दफ़ा उनके वेस्ट मीडिया को इंटरनेशनल मार्केट में खड़े होकर करारे जवाब दिए हैं कि आप लोग हमारी फॉरेन पॉलिसी में टांग अड़ाने वाले कोई नहीं हो, हम आपको बायकॉट कर देंगे। करारे जवाब तो पाकिस्तानियों ने भी बड़े दिए हैं अमेरिका को कई मतलब कहीं ऐसे पॉइंट है। एग्जांपल आप ले लें ISPR, एक दफा जिन्होंने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया था, बाद में फिर खमियाजा भी तो भुगता था, बाद में फिर माफिया मांग के दोबारा फिर फंडिंग भी तो बहाल की गई थी। देखिए खमियाजा भुगतने की बात बाद में है, बातें हर कोई कर जाता है, इंडिया भी कर जाता है, इंडिया ने की, इंडिया करेगा, बाद में इंडिया भी उसका खमियाजा भुगतेगा। वन सेकेंड, अच्छा उन्होंने कहा, US ने कहा आप लोगों ने रशिया से तेल नहीं लेना इंडिया को, इंडिया ने नहीं मानी उनकी, इंडिया ने कहा अपने काम से काम रखो, इंडिया ने क्या रशिया से तेल नहीं लिया? आज लिया ना, मेरी बात सुने, आज के लिए ले लिया, कितनी देर तक नहीं लेगा चले मुझे बताएं, अब बाकी वो तेल कहाँ से लेगा? और मतलब क्या मतलब वो लेगा तेल? देखिए मेरी बात क्या, US तो खुद तेल लेता है, लेकिन उसने कहा था आपने रशिया से तेल नहीं लेना है, आज तक रशिया से वो तेल लेते हुए आ रहे हैं इंडिया वाले, और अभी रिसेंटली फिर US मीडिया ने एक इंडिया को ऑफर दी जिसमें उन्होंने ये कहा कि रशिया से हम कम कीमत पर लेकर देंगे, लेकिन दोबारा फिर इंडिया ने उनको मुँह तोड़ जवाब दिया। देखें कितने मुँह तोड़ जवाब, एक तेल के बिना पर हम नहीं उनको जज कर सकते कि वो अमेरिका से पंगे ले रहा है या कुछ कर रहा है, अमेरिका एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। फिर भी अमेरिका ये चाह रहा है कि इंडिया उनके साथ रहे। देखिए अमेरिका को इंडिया को साथ रखने में बड़े बेनिफिट्स हैं, आप ये ना खाली देखें कि खाली किस चीज़ के बेनिफिट्स हैं, आप ये देखें अमेरिका ने तो सऊदी को भी अपने साथ रखा, क्या किया सऊदी का उन्होंने, लेकर हम पे ड्रोन करवाए, अफगानिस्तान में ड्रोन करवाए, बट नंबर वन ट्रेड पार्टनर तो फिर भी इंडिया है अमेरिका का, तो करेगा। देखें बेसिकली अब देखा जाए ना इंडिया माशाल्लाह, मैं आज भी कहता हूँ स्टडी के लिहाज से आप देख ले, अच्छा इंडिया का हर बच्चा बच्चा तो इंग्लिश बोलता है, मुझे पाकिस्तान का कोई भी ऐसे दिखा दे जो OA लेवल्स पे है ना वो भी इंग्लिश में करके अड़के बात करता है, तो आप किसको जज करें? इंडिया एक बहुत, इंडिया भी एक देखें, इंडिया एक एटमी पावर भी बन चुकी हुई है इंडिया में। यार बच्चा बच्चा तो नहीं बोलता, मैं अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं बोलता भाई, आई डोंट नो इंग्लिश वेरी मच, आई एम नॉट फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश। हाँ इंग्लिश समझ लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, पढ़ता भी हूँ, लेकिन बोल नहीं पाता मैं। और सबसे बड़ी बात, मैंने तो कई बार कहा है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है आपसी समझ के लिए, ये इंटेलिजेंस का पैमाना नहीं है कि आपको अंग्रेजी आती है तो आप इंटेलिजेंट ही होंगे। बड़े से बड़े अंग्रेजी के धुरंधर हमने देखे हैं जो IQ लेवल जिनका मुझसे भी कम है, तो ये कोई पैमाना नहीं है कि अंग्रेजी बोलता है तो सारे इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है क्योंकि अंग्रेजी बोलते हैं। नहीं बॉस, जापानीज कौन सा अंग्रेजी बोलते हैं, चाइनीज कौन सा अंग्रेजी बोलते हैं, ताइवानीज कौन सा अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन सब डेवलप कर रहे हैं, है कि नहीं? तो लैंग्वेज की वजह से ये तय नहीं किया जा सकता, सब कुछ होता है यहां। यहां क्या है वही इस्तेमाल कौन ज्यादा कर रहा है, इसी से सब कुछ बदल जाता है। 0.1% भी इधर उधर होता है ना तो बदल जाता है। शायद मैंने कहीं पर पढ़ा था कि जो ह्यूमन के सबसे करीबी जो हैं वो है चिंपैंजी, जो उनका ब्रेन है, जो उनका DNA स्ट्रक्चर है, जो ब्रेन है, तो वो कहा गया है कि जो DNA स्ट्रक्चर है वो करीब करीब आई थिंक 85-90% जो है वो मैच करता है ह्यूमन से, चिंपैंजी के।
लेकिन उतना ही डिफरेंस जो है वो कितना बड़ा बदलाव ला देता है दोनों की जिंदगी में वो सबके सामने। तो अंग्रेजी बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैं भी चाहूं तो कल को कोई क्लास ज्वाइन कर लूं, 6 महीने में फिर मेरी अंग्रेजी देखिए फिर फर्राटेदार, लेकिन अंग्रेजी का मेरी इंटेलिजेंस से कोई वास्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं। मैं आपके स्टडी के लिहाज से देखे जाए और उन्होंने अपनी पॉपुलेशन उनकी इतनी बड़ी है तो आप लिहाज करिए, अगर अमेरिका को वो थोड़ा सा भी इस बारे में कर रहा है ना कि जी हमने धमकी दे दी है तो बनता है, वो कहते हैं कुछ दिखाने के लिए ना वो कर लेते हैं। वन सेकंड, आपने पॉपुलेशन की बात की है तो पॉपुलेशन के साथ वो लोग इस पॉपुलेशन को मैनेज कैसे कर रहे हैं, उस पर बजट कैसे लगा रहे हैं, तरक्की में कैसे आ रहे हैं आगे, ये भी मैटर करता है। और अगर आप कह रहे हैं कि अमेरिका को दिखाना पड़ता है तो फिर अमेरिका भी उनकी सुनकर दोबारा उनके तलवे चाटता है कि आप भी हमारे साथ रहो, अमेरिका कभी भी इंडिया से खराब नहीं करेगा अपनी, नहीं खराब करेगा, ये मानती हैं आप बात। तो अगर इंडिया ने अपनी 2-3 लगा दी हैं तड़ियां तो इस पे कौन सा बड़ा मसला है, ये तो अभी आपने खुद बोला कि अमेरिका ऑब्वियसली कभी खराब नहीं करेगा उनके साथ, क्योंकि उनको पता है कि अब जो आने वाली तीसरी बड़ी इकोनॉमी है वो इंडिया की है। हाँ। बेसिकली आप ये देखें ना, हम अगर बात करें ना इंडिया की, इंडिया में अब हम एक आप यहाँ से ले लें, इंडिया में सब सारे यही कहते हैं कि मुसलमान इंडिया में ज़्यादा है, पाकिस्तान में कम है, इतना मुसलमान नहीं है। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है पॉपुलेशन के लिहाज से, स्टडी के लिहाज। अच्छा आपको भी पता चला वो डार्क वेब का इंडिया, और उसमें एक अभी मैं आपको बताता हूँ ये जो करते हैं वेब में जो हैकर ने ऑडियो लीक की शहबाज शरीफ की, आप पाकिस्तान की बात कर रही हैं, पाकिस्तान की नहीं, मैं आपको बताता हूँ हाँ मुझे पता है हैकर ने इस दुनिया में अभी आज के टाइम में जो सबसे टॉप के हैकर जा रहे हैं ना वो इंडिया के जा रहे हैं, ऑब्वियसली बिकॉज़ उनके वो टेक में इतना आगे, आईटी में वो इतना आगे है। तो फिर अगर वो इंडिया को 2-3 तड़ियां लगा भी देता है तो इसमें क्या जाता है, कुछ भी नहीं, वो नहीं लगाता है 2-3 तड़ियां, इंडिया लगाता है अमेरिका को तड़ियां। तो इंडिया की ही बात करूं कि अगर उसने 2-3 लगा दी है ना थोड़ी रेपुटेशन, इस तरह तो मेरा भी बनता है कि थोड़ी सी यहां पर उठ के रेपुटेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, उनकी ऑलरेडी रेपुटेशन बनी हुई है। वो कहते हैं ना कि अगर आप खुद शोर मचाओगे तो लोग आपको पागल समझेंगे, शोर आपकी तरक्की मचाएगी जो कि उनकी मचा चुकी है। देखिए मैं बताता हूँ, अगर इंडिया की तरक्की हो चुकी हुई ना सारे मान रहे हैं, मैं आज भी इस यहाँ पर चैलेंज करके कह सकता हूँ कि इंडिया अमेरिका से आगे नहीं जा सकता। हाँ बंदे कुछ शो ऑफ कराने के लिए ना, जब वो लोग ये पॉलिसी बना सकते हैं कि आने वाले अरसे में डॉलर जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में यूज हो रहा है वैसे रुपी भी यूज होगा और 10 कंट्रीज में रुपी चल भी रहा है, इसके अलावा बहुत से मुआहदे वो रुपी में ही कर रहे हैं, ट्रेड रुपी में ही कर रहे हैं, तो फिर अगर मेहनत करे बंदा तो बहुत आगे पहुंच सकता है। जब वो कुछ अरसे के लिए चाइना के जीडीपी क्रॉस कर सकते हैं तो फिर अमेरिका क्या चीज़ है, मेहनत करे तो मेहनत की बात है ना, वो पाकिस्तान तो है नहीं जो मुँह से सिर्फ बातें करे हवा में तीर छोड़े। नहीं नहीं हवा में तीर छोड़ने की बात नहीं है, अमेरिका एक पावर है। अभी देखे ना चले अभी कुछ कंट्री में चले हैं ना, कुछ कंट्री में आप कह रही रुपीज चल रहा कतरा कतरे कतरे से दरिया बनता है, लेकिन अभी ना समंदर तो फिर भी अमेरिका ही है ना, बाप तो वो बन चुका हुआ सबका, तो क्या इसके बाद आपको लगता है कि ये बाप बनने की कोशिश करेंगे ना तो वो दादा बनने की कोशिश करेगा। अच्छा अच्छा, इस वक्त हम लोगों को ना अमेरिका थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है, बिकॉज एक तो डॉलर की जो है वो कीमत नीचे जा रही है, डॉलर क्राइसिस में जा रहा है, इन्फ्लेशन रेट उनका बढ़ रहा है, और वहाँ पर जो है वो उन लोगों ने खुद ही एक चीज एक्सेप्ट की है कि हम लोग थोड़े क्राइसिस में जा रहे हैं, अब वो ये चाहते हैं कि इंडिया उनका ज्यादा से ज्यादा साथ दे। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको क्या लग रहा है कि इंडियन रुपीज की वजह से डॉलर नीचे गया है? नहीं मैंने ये तो बात ही नहीं की। ठीक है अब मैं बताता हूँ, बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए ना, आजकल शायद आप लोगों को पता ना या इन दुनिया में अभी इतने लोगों को नहीं पता शोर आया फॉरेक्स का, ठीक है खाली आपका डॉलर नीचे नहीं आ रहा, आपका यूके पाउंड स्टर्लिंग ऑस्ट्रेलियन पाउंड कैनेडियन जो आपके डॉलर है वो भी नीचे आ रहे, खाली अमेरिकन यूएस डॉलर नीचे नहीं आ रहा, उसकी वजह से देखिए अगर डॉलर नीचे आता ना तो स्टिक सी बात है कि इंडिया का भी इसमें लॉस है। ठीक है कई लोग ऐसे इंडिया में बैठ के हैं जो यूएस डॉलर में कमा रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो इधर बैठ के पाउंड्स में कमा रहे हैं यूएस डॉलर में कमा रहे हैं, जब रेट ऊपर नीचे होगा तो इसमें इंडिया को भी लॉस है और पाकिस्तान को भी लॉस है। सो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो, होप सो आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा लाजमी मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो एक नए कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चलिए वीडियो खत्म हो गया, पहली बात एक बात मैं क्लियर कर दूं, हमारी भी पेमेंट डॉलर्स में आती है और डॉलर्स कन्वर्ट होकर आते हैं, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मेरा रुपया कमजोर हो जाए और डॉलर बहुत अच्छा हो जाए, डॉलर ज्यादा होने लगे, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं वो नुकसान सह लूंगा बॉस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा रुपया मजबूत होना चाहिए। और डॉलर इसलिए कमजोर हो रहा है क्योंकि बाकी जो कई सारी कंट्रीज हैं अब वो डॉलर से ट्रेड करने में गुरेज कर रही हैं, अब वो अलग अलग मेथड्स अपना रही हैं अपनी करेंसी में, दूसरी चीजों में कर रही हैं, तो इससे भी डॉलर पर असर पड़ा है। डॉलर्स की डोमिनेंस तो खत्म करनी पड़ेगी बॉस, ये क्लियर है बिल्कुल, ये करनी पड़ेगी। तो चाइना भी लगा हुआ है, इंडिया भी लगा हुआ है, रशिया भी लगा हुआ है और भी कई सारी कंट्रीज हैं जो लगी हुई हैं।
रही बात यूपीआई की, तो इंडिया का यूपीआई सिस्टम अब पूरी दुनिया की नजरों में है। आपको अंदाजा नहीं है कि यूपीआई की वजह से इंडिया ने कितनी बड़ी अचीवमेंट की है डिजिटल ट्रांजेक्शन के। उसमें हम दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वाले देश बन गए। इसके एक नहीं, इसके हजारों फायदे हैं। नोट छापना कम हुआ, मुझे नहीं लगता कि मैं पिछले 5-7 सालों में, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने 1000 रुपए से ज्यादा अपनी जेब में रखे हूं या अपने घर में 2-4 हजार रुपए से ज्यादा रखे हूं कैश। मैं नहीं रखता, क्योंकि यूपीआई की वजह से अब सारा लेन देन, किसी को पैसे देने हो, किसी को पैसे भेजने हो, किसी से पैसे लेने हो, सब्जी वाले को देने हो, रिक्शे वाले को देने हो, 5 रुपए देने हो, 2 रुपए देने हो, 10 रुपए देने हो, 10 लाख रुपए देने हो, ये सब कुछ मैं यूपीआई के जरिए कर सकता हूं, डिजिटली कर सकता हूं। तो पहली बात कि मेरे लिए आसानी हुई, मुझे कैश कैरी नहीं करना पड़ता। दूसरा, कैश लूटने का मतलब खतरा कम हो गया। तीसरी बात कि डिजिटली होने की वजह से नोट की छपाई मुझे लगता है कि शायद कुछ कम हुई है। तो हमारा करोड़ों अरबों रुपया नोट के छापने पर चला जाता था, और फिर डुप्लीकेट नोट्स भी आते थे भाई, वो सस्ते में बन जाते थे। तो इसका बहुत बड़ा फायदा इंडिया को हुआ है, और आगे आने वाले वक्त में और बड़े फायदे इसके होने वाले हैं। और दूसरे देश इस चीज को देख लिया, उन्होंने भांप लिया है कि बॉस ये बड़े काम की चीज है, तो इस सिस्टम को अपनाया जाए। कई जगहों पर ये सिस्टम करीब करीब डील हो चुकी है। अगर अमेरिका चाह रहा है तो भाई अच्छी बात है सिस्टम में। और दूसरी तीसरी बात, आप बात कर रहे हो कि जी अमेरिका नहीं चाहेगा, अरे भैया ये बताओ अमेरिका की जो सबसे बड़ी बड़ी टॉप की टेक कंपनीज हैं वो कौन चला रहे हैं? वो इंडियन चला रहे हैं, वो चाहे गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, IBM हो। आप सोचिए इतनी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां वहां पे इंडियंस चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इंडियंस ऑलरेडी वहां पे काम कर रहे हैं, और वो ऑलरेडी उनके प्रोडक्ट जो हैं वो अमेरिका वालों को पसंद आ रहे हैं। तभी तो वो गए ना, उनकी क्रिएटिविटी, उनके आइडियाज, तभी तो गए ना। चेहरा देख के कि इंडियन है तो इसलिए तो नहीं बना दिया CEO, या इसलिए तो किसी इंपॉर्टेंट पद पर नहीं डाल दिया उन्हें। तो ये समझने वाली बात है। और देखते रहिए, अभी इंडिया ने तो टेक में कदम रखा है, अभी तो आने वाले वक्त में देखिए क्या क्या होने वाला है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।